हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ वीडियो ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट व्हेन द लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई एम गोइंग टू रीराइट दैट कंडीशंस वंस अगेन। सपोज वी हैव अ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is the first linear equation. And second linear equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. In last lecture, I have told you that when these two linear equations are said to be consistent and inconsistent. Consistent means there is at least one solution, or one common solution, simultaneous solution. And inconsistent means that these linear equations have no any solution. And by Drop-Term method, I want to explain that if the drop of these two linear equations comes out to be parallel, then it is not intersecting. And we say that in this situation, the linear equations have no any solution. And if the drop of linear equations आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर दोनों ही ग्राफ जो है, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था जो लीनियर इक्वेशन से मिलता है, अगर हम एक पॉइंट इंटरसेक्ट करें तो हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो देयर विल बी ए यूनिक सोल्यूशन। एंड इफ ग्राफ ऑफ बोथ लाइंस कोइंसाइड, एक ही लाइन पर दूसरी लाइन का जाना कहा जाता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ग्राफ अगर बना रहे हैं, ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी से दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनफाइनाइट फंक्शन, हैव इनफाइनाइट कंसिस्टेंट बट इट हैव इनफाइनाइट फंक्शन, अगर कोइंसाइड करते हैं, और अगर पैरेलल है तब तो इनकंसिस्टेंट। तो और अलजेब्रिक तरीके से कंडीशन भी बताई गई थी कि कंडीशन क्या था, मैं यहां पे लिख रहा हूं। कंडीशन कुछ ऐसा था, दो तरीके की बात, एक कंसिस्टेंट और दूसरा था इनकंसिस्टेंट। इसमें कंसिस्टेंट में भी दो टाइप की बात थी, यूनिक सॉल्यूशन की बात थी एंड यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में बोले की बात थी नो सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस द अलजेब्रिक कंडीशन वाज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो कंडीशन था, दैट इज a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। एंड इनकंसिस्टेंट इसके लिए जो कंडीशन था, a1 यानी जब लाइन पैरेलल मिलता है a1 ओवर a2, तो दिस इज इक्वल टू a2, इट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सर अगर ये भी इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होने के साथ साथ कौन सा इंटर जाए, ये कंडीशन लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। और इसी कंडीशन पर बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी विल सी सम प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। जैसे मैं एक और कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी कंडीशन पर बेस्ड है क्वेश्चन, लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। यानी क्या पता करना है कि क्या जो अभी क्वेश्चन लेंगे जो लीनियर पेयर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, या फिर पूछा जाएगा कि लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है आर, या फिर पूछा जाएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब जब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन रहेगी। देखते हैं, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन।
एक्स वाई प्लस 24 इक्वल टू जीरो. वी हैव गिवन दिस पेयर ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब देखना यह है, देखिए एक तो तरीका है ग्राफ का, बट अगर हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ या तो पैरेलल लाइन मिलेगा या इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी या कोइंसिडेंट एक ही लाइन पर दो लाइन, तीन टाइप के ग्राफ मिल सकते. लेकिन अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये अगर इसको देखेंगे कि ये एक प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और ये जो दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखा है इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो. हमको क्या करना है, अपनी ये कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल के चेक करना. यहाँ पे a1 का मतलब 9, b1 का मतलब 3 माइनस कोएफिशिएंट, c1 का मतलब प्लस 12 साइन के साथ, और a2 का मतलब 18, b2 का मतलब 6 और c2 का मतलब 22. यानी a1 इक्वल टू कितना है हमारा, दिस इज द लाइन, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12. और a2 देख लेते हैं, a2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18, b2 इज गिवन 6 एंड c2 इज गिवन 20. Now we will find out a1 over a2. a1 over a2, a1 9 and a2. छोटी है विकास. a1 over a2, a1 की वैल्यू 9, a2 इज गिवन 18. सो 9 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 9 अंडर 9 होता है यानी 1/2. ये कैंसिल हो जाए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दिस इज इक्वल टू 1/2. एंड b1 over b2 दे दिया, b1 over b2 इसको कैलकुलेट करिए, b1 is 3, b2 is 6, 3/6 दिस इज इक्वल टू, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये 3 1 3 2 जैसे करते 1/2. c1 over c2 निकाल लीजिए, c1 over c2 इट इज इक्वल टू 12 over 24, इट इज आल्सो कम आउट 1/2. यहां पर अगर हम लोग देखें a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 1/2, यानी कंडीशन में p को इक्वल होने वाली कंडीशन ये है. यहां पे हम देख रहे हैं वहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सबकी वैल्यू किसके बराबर 1/2 है. अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इट इज कंसिस्टेंट. ये दोनों कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सोल्यूशन मिल रहा है. और कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन. कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट. इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइन एक ही पर जा रही है, यानी वो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है. कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट. क्वेश्चन ये था, हमें पता करना था कि जो पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जा रहा है क्या वो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, या वो पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है. हमारा आपको क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन. ये तो हो गया. इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बस बेस्ट लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज द थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन. 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू जीरो, दिस इज सेकंड लीनियर इक्वेशन. तो हमारे पास ये पहला और दूसरा लीनियर इक्वेशन, ये दो है लीनियर इक्वेशन. और ये चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है. चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट. फिर से वही चीज होगी, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. फ्रॉम द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वी हैव फाइंड a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू, देखिए b1 ये पूरा साइन के साथ बताया गया, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहे तो इसी तरीके से लिखा जाए, 6x प्लस माइनस 3, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, b1 की जगह 3 लिखते
क्योंकि यहाँ पे 6x माइनस 3y लिखा हुआ है, यानी b1 वन जगह क्या होगा माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री। c1 क्या है तो वह प्लस टेन यानी टेन, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करिए कोफिशिएंट को, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2, तो कंपेयर करेंगे कि प्लस b2 है, यहाँ पे माइनस y लिखा हुआ है, उसको अगर लिखने का तरीका तो इस तरीके से 2x प्लस माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो b2 की वैल्यू होगी माइनस वन, यानी b2 क्या हो जाएगा माइनस वन, एंड c2 की वैल्यू क्या जाएगी c2 इक्वल टू 9, इस तरीके से। अगेन कंपेयर करेंगे इसको, यानी हमको क्या निकालना है a1 अपॉन a2 निकालना है, तो a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, देखिए 6 बाय 2 कितना आ जाएगा, दिस इज द 3। उसके बाद करेंगे b1 अपॉन b2 निकालें, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा दिया जाएगा, और अब क्या है c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू c1 है 10, c2 है 9, 10 बाय 9 ये तो भी रिड्यूस होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू इनके बराबर है, b1 अपॉन b2 वो भी 3 है, यानी ये दोनों इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो निकाला गया दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2, और ये कंडीशन किसमें था इनकंसिस्टेंट। आप देखेंगे अगर आपने उस चार्ट को बड़ा किया है तो आप देखेंगे ये कंडीशन किसके लिए था, जब दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल, ये किसके लिए है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन थी, इनका कोई सलूशन नहीं मिलेगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल चल रही है। तो इस लीनियर इक्वेशन के जो दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसे लाइन है पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट, ठीक है। इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने ये बताया है इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो दो सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो अल्जेब्रिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम इन तीनों मेथड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अभी यहाँ तक, इस पर बेस्ड और सारे जितने भी प्रॉब्लम है आप करिएगा, चेक करिएगा, कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए आता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो b1 की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग इस कंडीशन से सब निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम इस पर भी और करवाएंगे, लेकिन इस वीडियो में यही है।